नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एस, हमारे खास एपिसोड ख्वार का स्पेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने न्यूज़पेपर के जो पेज होता है उस पर जब कोई खबर लगा रहे होते हैं या पेज बना रहे होते हैं तो उसमें एक क्रॉसर लगाने की जरूरत पड़ती है। जी दोस्तों, यह क्रॉसर आपको कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा और उसको किस किस डिज़ाइन बना सकते हैं, वो सब चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें, तो इसलिए स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और जो चीज़ ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल आइंस को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना क्रॉसर बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्रॉसर है, हम इस तरीके से आपको क्रॉसर डिज़ाइन करना बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और कहाँ पर से क्या चीज़ लेनी होगी, कौन सा टूल का यूज़ करना होगा, उसको कैसे बनाना होगा, सब कुछ हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है जो टाइप करना है वो क्रॉसर फॉन्ट में होता है टाइप यहाँ पर, और इसी तरीके से आप अपना क्रॉसर जो है अपने न्यूज़पेपर के जो पेज होते हैं उसमें खबर में आप लगा करके आप इस क्रॉसर को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे डिज़ाइन होगा वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया है और अब हम जो है इसमें एक इंसर्ट देंगे जो कि कंट्रोल एम से होगा। टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट जो है 5x5 का हम इंसर्ट दे देंगे, या फिर जो आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं, जिस हिसाब को देना चाहते हैं उस हिसाब से आप दे सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यू को। उसके बाद जो है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको कलर कर रहे हैं और कलर करने के बाद यहाँ पर हम लाइन टूल का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लाइन है उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने इसको डुप्लीकेट किया हुआ है अभी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो है जो बुलेट्स हैं वो इस बॉक्स में हम देंगे। अब इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हमने नन कर लिया है और अब हम यहाँ पर लाइन टूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने लाइन एक ड्रॉ कर ली है, आप देख रहे हैं इस लाइन की जो विड्थ है उससे हम बढ़ाएंगे और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एक वैल्यू दे करके लाइन को मोटा कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं या एक बॉक्स भी ले सकते हैं। तो आप हम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है और इसकी वैल्यू भी जो भी आप देना चाहते हैं, जिस हिसाब से देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक जो बुलेट है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो बुलेट हमारा फॉन्ट से ही बनता है, तो यहाँ पर एक वेबडिंग फॉन्ट है जिसकी मदद से हम जो है यहाँ बुलेट ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है हम बुलेट को किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हम वेबडिंग फॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और अब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक फॉन्ट का ही आइकन बन करके आएगा। जैसे आप देखें यहाँ पर सिम्बल्स बन के आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोई सा भी सिम्बल ले करके आप अपने बुलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक बुलेट्स को लिया हुआ है और ये यहाँ पर इसलिए क्योंकि अभी जो है हम इसमें इंसेंट जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमने जीरो कर लिया है, लॉक हटा दिया है यहाँ पर। तो ये भी आपका जो है इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर आ चुका है। इसको अब हम कलर कर लेंगे और कलर करने के बाद जो है इसको हम सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका हम जो है जो वैल्यू है वो हम इसमें इंसर्ट जो हमने दिया हुआ था उसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे ताकि हमारा कर्सर जो है थोड़ा सा जो बुलेट हमने दिया हुआ है उसका थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग बढ़ जाए और नीचे की तरफ वो आ जाए। तो इसके लिए हम फिर से वही करेंगे या फिर हम बॉक्स को छोटा कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, जैसा आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे बॉक्स को आप नीचे कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर इंसर्ट दे दीजिए। अब आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पर बुलेट दिए हुए हैं और दूसरे डिज़ाइन को भी हम अगर देखें तो दूसरा डिज़ाइन भी हमारा कुछ इस तरीके से ही है, जो कि रेक्टेंगुलर है हमारा और ये हमारा ट्रायंगल में है और दूसरा जो है आप देख रहे हैं कि स्क्वायर शेप में था, जो कि ऊपर था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, दो तरीके के हमने बुलेट यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इस तरीके से आप जो है बुलेट लगा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके क्रॉसर की बात करें तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट जो है इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इंसर्ट जो है ऊपर की तरफ दिया हुआ है जो कि ऊपर से हमारा चिपक रहा है। आप देख रहे हैं आप हमारा लाइन से नीचे हो गया है, तो ये इंसर्ट से ही हुआ है। तो इस तरीके से आप भी इंसर्ट दे करके आप अपना कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ऊपर टेक्स्ट चिपक रहा था, हमने यहाँ पर भी इंसर्ट दिया हुआ है और इंसर्ट के बाद आपका
एक क्रॉसर बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कई तरीके के डिज़ाइन से अपना क्रॉसर को बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में जो चीज़ ना समझ में आया हो तो उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरीके से अपना क्रॉसर बना करके अपने पेज पर लगा करके अपने पेज की खूबसूरती बना सकते हैं। और जो भी चीज़ आप समझाना चाहते हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से, एक कैचवर्ड के माध्यम से, एक क्रॉसर के माध्यम से, वो आप इसी तरीके से समझा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज किस वीडियो से कि आपने कुछ नया सीखा, कि आपने कुछ नया जाना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, और जो चीज़ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपको मैं कॉल या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे, आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।